नगर के तराई पश्चिमी वन प्रभाग में गुलदार की जान आफत में आई हुई है। यहाँ एक साल में जहाँ 12 से अधिक गुलदारों के शव बरामद हुए हैं, तो वहीं इनके शिकार के लिए लगे फंदों में भी इनके फंसने के सिलसिले जारी हैं। ताजा मामला रामनगर रेंज के पपड़ी गांव का है, जहाँ एक मादा गुलदार शिकार के लिए लगाए गए एक क्लच वायर में फंस गई, जिसके रेस्क्यू के लिए कॉर्बेट के पशु चिकित्सक के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसने इस गुलदार को शनिवार देर रात में रेस्क्यू कर लिया है, लेकिन इसकी हालत नाजुक होने के चलते गुरदार को रानीबाग रेस्क्यू सेंटर भेजना पड़ा। ये तराई पश्चिम वन प्रभाग के रामनगर रेंज के अंदर एक हमें सूचना मिली रात को 9 बजे कि एक लेपर्ड तार में फंस गया है। तो वैसे तो हम रात में लेपर्ड रेस्क्यू करते नहीं हैं, बट चूंकि तार में फंसा हुआ था, तो उसकी जान बचाने के लिए काफ़ी आवश्यक था कि इसको रात में रेस्क्यू किया जाए, ताकि इसकी जान को खतरा ना हो। तो उसके लिए रेस्क्यू किया गया और कॉर्बेट के डॉक्टर डॉक्टर दुष्यंत शर्मा को बुलाया गया, और हमारे रेंजर यहाँ उपस्थित थे और समस्त स्टाफ उपस्थित था, उन्होंने इसको रेस्क्यू किया है। अब इसको रानीबाग रेस्क्यू सेंटर रेफर किया जा रहा है।